हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जेके प्लेसमेंट्स। तो आई होप कि आप सब मज़े में होंगे। तो चलिए गाइस, आज की इन जॉब ओपनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आज की सबसे पहले जॉब ओपनिंग की बात करेंगे। केवाई ऑटो व्हीलर्स की तरफ से जो है यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट्स निकाली गई है। तो चलिए इन पोस्ट्स को डिटेल में ज़रा जानते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि खाली फीमेल एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम इसमें बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन आपकी जो है मिनिमम 10+2 होनी चाहिए। तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन जो है आपकी बीकॉम प्लस टैली पे जो है अच्छा होल्ड होना चाहिए। सर्विस मैनेजर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा या डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। तो पार्ट्स मैनेजर के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ जो है 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो पार्ट्स हेल्पर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होनी चाहिए। टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 4 पोस्ट्स, जिसमें कि फीमेल एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10+2 और उसके साथ साथ जो है 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डेटा एंट्री एंड बिलिंग एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट्स, जिसमें कि फीमेल एलिजिबल हैं। इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स में होनी चाहिए। तो टेक्नीशियन हेड के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी ITI और उसके साथ साथ जो है 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। टेक्नीशियन हेल्पर के लिए 3 पोस्ट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI और उसके साथ साथ जो है 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। स्वीपर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट्स निकाली गई है, तो आपको जो है इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस होनी चाहिए और तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और उसके साथ साथ जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जो है 5 तारीख से पहले जो है अपना अपडेटेड रिज्यूमे उनके दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज जो है नीचे उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। आप रब्ता करके जो है मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी पोस्ट्स यहाँ पे निकाली गई और जो है सैलरी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। तो एक और जॉब ओपनिंग की बात करेंगे। इम्पीरियोज कलेक्टिव की तरफ से जो है यहाँ पे पोस्ट्स निकाली गई है। तो सबसे पहले पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, जिसके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए निकाली गई है। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है 5 से 8 साल की होनी चाहिए। फ्रंट डेस्क सलून के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, ये भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है। फीमेल यहाँ पे एलिजिबल हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 1 से 4 साल की होनी चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल की होनी चाहिए। कॉन्सर्ज मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, फीमेल खाली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 2 से 6 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे उनके दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है, अदरवाइज जो है उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। आप रब्ता करके जो है मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम इसमें बात करेंगे तो सैलरी आपको यहाँ पे निगोशिएबल मिलने वाली है। तो एक और पोस्ट की बात करेंगे, आर्को इंटीरियो की तरफ से जो है यहाँ पे सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सैलरी आपको यहाँ पे जो है निगोशिएबल मिलने वाली है। एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 2 से 3 साल की होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपना अपडेटेड CV उनके दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है, या उनका व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। आप अपना CV जो है उनके व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। तो एक और जॉब की तरफ चलते हैं। कॉमटेक की तरफ से जो है यहाँ पे HR मैनेजर के लिए पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ जो है 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए यहां पे पोस्ट निकाली गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ जो है मिनिमम 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइनर के लिए यहां पोस्ट निकाली गई है, मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 1 साल की होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे उनके दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है, अदरवाइज जो उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। आप रब्ता करके जो है मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आपको निगोशिएबल मिलने वाली है। तो आई होप गाइज आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई जॉब अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।